हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी प्लस वन। ये वीडियो क्लास फाइव के लिए है और आज हम क्लास फाइव की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड से यूनिट थ्री की स्टोरी रॉबिन्सन क्रूजो डिस्कवर्स अ फुटप्रिंट इसे पढ़ने और समझने वाले हैं। अगर आप इस स्टोरी से रिलेटेड एक्सरसाइज वर्क और क्वेश्चन आंसर्स भी देखना चाहते हैं तो आप इसके लिए इस स्टोरी का सेकेंड पार्ट का वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। रॉबिन्सन क्रूजो डिस्कवर्स अ फुटप्रिंट। रॉबिन्सन क्रूजो को एक फुटप्रिंट मिलता है। डिस्कवर्स मींस फाइंड आउट, मिलता है। फुटप्रिंट, फुट का प्रिंट यानी पैरों के निशान, ये रॉबिन्सन क्रूजो है और इसको ये फुटप्रिंट मिला। तो ये स्टोरी है रॉबिन्सन क्रूजो जो कि एक सेलर था, शिप चलाता था। रॉबिन्सन क्रूजो शिप हैड बीन डिस्ट्रॉयड बाय द सी। समुद्र में उसका शिप डिस्ट्रॉय हो गया था, नष्ट हो गया था तूफान के कारण। ही हैड बीन अलोन फॉर मैनी ईयर्स एंड लॉन्ग्ड फॉर कंपनी। मैनी ईयर्स, बहुत सालों तक वह अकेला रहा और वह एक कंपनी चाहता था, साथ में चाहता था कि कोई उसके साथ रहे। वन डे ही डिस्कवर्स अ फुटप्रिंट ऑन द सैंड। एक दिन उसको सैंड पर यानी रेत पर एक फुटप्रिंट मिला, पैरों के निशान मिले। लेट्स फाइंड आउट व्हाट ही डिड देन। आइए देखते हैं कि उसने फिर क्या किया। वन डे, एक दिन, व्हेन आई वाज गोइंग टुवर्ड्स माय बोट, ये रॉबिन्सन अपनी कहानी बता रहे हैं कि व्हेन आई वाज गोइंग टुवर्ड्स माय बोट, जब मैं अपनी बोट की तरफ जा रहा था, आई वाज सरप्राइज्ड टू सी द फुटप्रिंट ऑफ अ मैन ऑन द सैंड। तो वहाँ पर सैंड पर यानी रेत पर किसी इंसान के फुटप्रिंट देखकर मैं सरप्राइज हो गया, बहुत आश्चर्य हुआ मुझे। आई स्टूड अमेज्ड, मैं आश्चर्य से खड़ा रहा यानी भौचक्का खड़ा रहा। आई लिसन्ड, मैंने सुना। आई लुक्ड अराउंड मी, मैंने अपने चारों ओर देखा। आई कुड नीदर हियर नॉर सी एनीथिंग, ना तो मैं कुछ देख सका और ना ही कुछ सुन सका। आई वेंट अप हायर टू लुक डाउन, नीचे देखने के लिए मैं और ऊंचाई पर गया। आई वेंट अप द शोर एंड डाउन द शोर, मैं शोर के ऊपर और नीचे दोनों तरफ गया। शोर मीन्स समुद्र का किनारा। बट इट वॉज नो गुड, लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं था। आई कुड फाइंड नो अदर फुटप्रिंट बट दैट वन, उस केवल एक फुटप्रिंट के अलावा मुझे कोई दूसरा फुटप्रिंट नहीं मिला। आई वेंट टू इट अगेन, मैं उसके पास दोबारा गया। टू सी इफ देयर वर एनी मोर फुटप्रिंट्स, यह देखने के लिए कि क्या वहाँ कोई और दूसरे फुटप्रिंट्स भी हैं। एंड टू टेल इफ इट हैड बीन माई इमेजिनेशन, और यह भी देखने के लिए, यह भी जानने के लिए कि क्या यह मेरी केवल इमेजिनेशन तो नहीं है, केवल मेरी कल्पना तो नहीं है। बट आई वॉज नॉट मिस्टेकन, लेकिन मैं गलत नहीं था, यानी वहाँ सच में फुटप्रिंट था। फॉर देयर वॉज एग्जैक्टली द प्रिंट ऑफ अ फुट, बिल्कुल एक पैरों का ही निशान वहाँ पर बना हुआ था। टोज, हील, एवरी पार्ट ऑफ अ फुट, उसमें टोज भी थे, उंगलियाँ थी पैरों की, हील एड़ी थी, और एवरी पार्ट ऑफ फुट, फुट का हर एक हिस्सा उसमें था। आई कुड नॉट इमेजिन हाउ इट केम देयर, मैं इमेजिन नहीं कर सका, मैं कल्पना नहीं कर सका कि यह वहाँ कहाँ से आया, क्योंकि वहाँ पर कोई भी नहीं रहता था, ये अकेला ही वहाँ पर था और कंपनी के लिए परेशान था कि साथ में कोई मिल जाए। आई स्टेड अ लॉन्ग टाइम थिंकिंग, बहुत देर तक मैं खड़ा सोचता रहा। बट बिकेम मोर एंड मोर कन्फ्यूज्ड, लेकिन और ज़्यादा कन्फ्यूज्ड होता रहा। एट लास्ट आई रिटर्न्ड होम वेरी फ्राइटेंड, एट लास्ट, अंत में, लास्ट में मैं बहुत डरा हुआ घर को वापस आया। फ्राइटेंड का मतलब डरा हुआ। लुकिंग बिहाइंड मी आफ्टर एवरी टू और थ्री स्टेप्स, हर दो या तीन कदम के बाद मैं अपने पीछे मुड़ के देखता था कि कहीं कोई है तो नहीं। मिस्टेकिंग एवरी बुश एंड ट्री टू बी अ मैन, और ऐसा करते समय हर किसी बुश, बुश का मतलब झाड़ी और या फिर पेड़ को मैं इंसान समझता था। When I came to my cave, जब मैं अपनी गुफा में आया, which I called my castle, जिसको मैं अपना किला कहता था, castle का मतलब किला, ये वहाँ पर किसी गुफा में रहता था, cave में रहता था और उसको अपना किला कहता था क्योंकि उसमें ये अपने आप को सेफ महसूस करता था। I ran inside it, मैं उसके अंदर दौड़ा।
एज इफ आई वॉज बींग चेस्ड, इस तरह से जैसे कि कोई मेरा पीछा कर रहा था। आई डो नॉट रिमेंबर वेदर आई यूज द लेडर, मुझे याद नहीं है कि मैंने अंदर जाने के लिए लेडर यानी सीढ़ी का प्रयोग किया था, और वेंट इन बाय द होल इन द रॉक, या फिर उस रॉक में बनी हुई, रॉक का मतलब चट्टान, चट्टान में बनी हुई एक होल का, एक छेद का प्रयोग किया था, जिसको कि विच आई कॉल्ड द डोर, जिसको कि मैं दरवाज़ा कहता था। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये अपनी रॉक के अंदर जा रहा है, यहाँ इसको ये रॉक का दरवाजा यानी डोर कहता था। I ran for cover, cover यानी अपने आप को ढकने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए मैं भागा। Faster than any animal could run, किसी भी जानवर से ज़्यादा तेज दौड़ा। I did not sleep that night, उस रात मैं सो नहीं सका। The more I thought about what I had seen, मैंने जो देखा था उसके बारे में जितना मैं ज़्यादा सोचता था, the more afraid I become, उतना ही ज़्यादा मैं डर जाता था। I thought it could be one of the savages of the mainland. मैंने सोचा कि ये वहाँ की mainland का कोई savages यानी जंगली आदिवासी कोई इंसान रहा होगा, who had wandered out to sea in a small boat, जो कि समुद्र में एक छोटी नाव में भटक गया था। Luckily I was not on the shore at that time. Luckily भाग्य से मैं उसमें शोर पे नहीं था, समुद्र के किनारे नहीं था, but What if he had seen my boat? लेकिन अगर उसने मेरी बोट देख ली होगी फिर क्या होगा? If he had seen the boat, he would have realized that someone lived on the island. अगर उसने बोट देख ली होगी तो उसको ये एहसास हो जाएगा, ये महसूस हो जाएगा कि इस आइलैंड पर कोई रहता है। आइलैंड यानी द्वीप, एक ऐसी जगह समुद्र के बीच में, एक ऐसी जगह जहाँ चारों ओर से समुद्र होता है, बीच में थोड़ी सी जमीन होती है, इसे आइलैंड या टापू कहते हैं। एंड वुड सून रिटर्न विद अदर्स टू किल एंड ईट मी, और वो जल्दी ही अदर्स यानी दूसरों के साथ आएगा मुझे मारने और खाने के लिए। एंड सो आई ले फियरफुल फॉर मैनी डेज, और इसलिए मैं बहुत दिनों तक डर के मारे वहीं पड़ा रहा। एंड प्रेड फॉर प्रोटेक्शन, और अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपने बचाव के लिए प्रे यानी प्रार्थना करता रहा। इन डूइंग सो आई वॉज मच कम्फर्टेड, ऐसा करने से मुझे बड़ा सुकून मिलता था। एंड आई बिगिन गोइंग आउट टू इन्वेस्टिगेट, और मैंने फिर बाहर जाकर जांच पड़ताल करना शुरू किया। बट इवन नाउ आई एज आई वेंट फॉरवर्ड, लेकिन अभी भी जब मैं बाहर जाता था, बाहर निकलता था, आगे बढ़ता था, आई लुक्ड बिहाइंड मी फ्रीक्वेंटली, मैं बार बार अपने पीछे देखता था, बिकॉज आई वॉज स्टिल वेरी फ्राइटेंड, क्योंकि मैं अभी भी बहुत डरा हुआ था। हाउएवर एज आई वेंट अबाउट फॉर टू और थ्री डेज, हालांकि जब मैं दो और तीन दिन ऐसे ही बाहर निकला, एंड सॉ नथिंग, और मैंने कुछ नहीं देखा, आई बिकेम अ लिटिल बोल्डर, मैं थोड़ा सा निडर हो गया, थोड़ा साहसी हो गया। I decided to go down to the shore. मैंने decide किया, निश्चय किया कि मैं नीचे shore पर again फिर से जाऊंगा। And examine the footprint once more. और एक बार फिर से उस footprint का निरीक्षण करूंगा, examine करूंगा। I decided to measure it with my own footmark. मैंने decide किया कि मैं उसको अपने footmark यानी अपने पैरों के निशान से measure करूंगा, नापूंगा। As I came closer to the footprint, जैसे जैसे मैं उस footprint के नज़दीक आया, I realized, मैंने महसूस किया, that it could not be my footprint, कि यह मेरा footprint नहीं हो सकता, because I had not come to this part of the beach since a long time, क्योंकि एक लंबे समय से मैं बीच के उस हिस्से में नहीं आया था। Secondly, दूसरे, as I placed my foot alongside that footprint, जैसे ही मैंने उस footprint के ऊपर अपना पैर रखा, it seemed larger than my own, यह मेरे पैर से बड़ा महसूस हुआ। My fear returned, मेरा डर फिर से वापस आ गया, यानी मैं फिर से डर गया। I went home again, मैं दोबारा से घर चला गया, यानी उस cave में चला गया। Believing that there was someone there, मुझे ऐसा विश्वास हो गया था कि वहाँ पर कोई है। The island was inhabited, उस island में कोई लोग रहते थे, ऐसा मुझे विश्वास हो गया। तो यहाँ पर ये कहानी एंड होती है, और कहानी में जो हमारा सीक्रेट था कि वो फुटप्रिंट किसका था, ये सीक्रेट अभी रिवील नहीं हुआ। ये कहानी
इट इज़ अडेप्टेड फ्रॉम डैनियल डेफोज रॉबिन्सन क्रूजो. डैनियल डेफो एक राइटर हैं, इन्होंने एक बुक लिखी हुई है रॉबिन्सन क्रूजो, उस बुक में से ये छोटा सा पार्ट इस कहानी का लिया हुआ है और यहाँ पर कहानी हमारी एंड होती है. इस स्टोरी से रिलेटेड किसी भी क्वेरी या इन्फॉर्मेशन के लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करना ना भूलिएगा, और अगर चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा. मिलते हैं अगले वीडियो में. जय हिंद.